केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आज आम बजट को किसी ने आमजन के लिए अच्छा व फायदेमंद बताया तो किसी ने इसे दिशाहीन बताते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। आइए बताते हैं लोगों का क्या कहना है इस नए बजट के बारे में। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि सरकार ने मोबाइल का रेट 2.5% से कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दी है, इससे मेरे ख्याल से इन्होंने अभी ये गलत किया है। ऐसे टाइम में, कोरोना टाइम में हर बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत है, पहले ही फ़ोन बहुत महंगे हो चुके हैं और मेरे हिसाब से पहली बार हो रहा है अभी फ़ोन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो गिरते थे, अब की बार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरा, सोना चांदी इन्होंने थोड़ा सस्ता किया, उसकी अभी लोगों के पास पहले ही पैसे नहीं है, उसकी तो अभी इतनी ज़रूरत ही नहीं थी इसको डाउन करने की। तो चलो, जो मेरे हिसाब से ये बजट 100-100 है जैसे पहला था, मिलता जुलता ही है, क्योंकि टैक्स स्लैब में भी कोई इन्होंने बदलाव नहीं किया जिससे कि आम बंदे को कोई राहत मिल जाए। सबसे पहले हमारा लगभग 75 साल हो गए हमारे देश को जादू हुए, आज तक बजट स्थिर नहीं बना। हर बजट, हर साल बजट चेंज होता है, लेकिन गरीबों को देखते हुए ये बजट बिल्कुल नकारा है। गरीबों को ध्यान में नहीं रखते हुए ये बजट बनाया, आम लोगों के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये बजट बनाना चाहिए था। एक तरफ तो कोरोना की महामारी है और दूसरी तरफ गरीबों के साथ कोई भी किसी तरह का वो नहीं किया, और किसानों के साथ भी कोई किसी तरह का भी मतलब नहीं किया कि उनको कोई किसी तरह मलम पट्टी लगाई जाए। ऐसा बजट हमें उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद थी कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। देखिए जी, जो बजट मोदी सरकार ने 2021 का पेश किया है, ये कुछ आम आदमी के लिए अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। जैसे सोना चांदी के दाम घट गए हैं, इस बात में देखा जाए तो अच्छा है। टैक्स स्लैब में सरकार ने कोई छूट नहीं दी, तो आम आदमी को तो आम रूटीन के कार्यों में अगर सरकार कुछ रिबेट देती तो आम आदमी का तो इस बजट से फायदा होता। आम आदमी के लिए कोई खास बजट नहीं है। बजट ठीक है, जिस तरह से मतलब लॉकडाउन के बाद हमारा देश उठ रहा है तो उसके हिसाब से बजट अच्छा बना हुआ है। लघु उद्योगों के लिए भी इसमें किया गया है, उसके अलावा बैंकों की NPA वगैरह के लिए भी काफ़ी कुछ जो है हमारी गवर्नमेंट कर रही है। एक अलग से उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि लोगों से जो वसूली है वो बैंक ना करके NPA से करें, और उसके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, वो अपने आप उसकी रिकवरी करेंगे। बैंकों को खुली है कि वो लोन प्रोवाइड कराएं लोगों को, जिससे कि हमारे लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागे और उनके हाथ में पैसा आए और वो आगे अपने अपने कारोबार बढ़ाएँ। कृषियों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है उसके अंदर, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर आई हैं, तो मैं तो इसको ओवरऑल अच्छा ही मानूंगा। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।